प्लस पर 12 मार्च से शुरू होने जा रहा है नया सीरियल जिसका नाम है उड़ने की आशा, जिसमें आपको नजर आएंगे कंवर ढिल्लो जो बने हैं सचिन। साथ ही उनकी जोड़ी बनी है नेहा संग, जिसमें नेहा निभा रही हैं साइली का किरदार, और ये है इनकी लव हेट स्टोरी। और ये पन्नी बांध देते हैं ताकि सारा पानी इसमें जमा हो जाए, लेकिन जब सुबह साइली उठती है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, क्योंकि जो पन्नी सचिन ने लगाई होती है उसमें होती है साइली की साड़ियाँ जो जमीन पर पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर साइली गुस्सा हो जाती है। बस फिर क्या था, शुरू हो जाती है साइली सचिन के बीच नोकझोंक। मुझे तो ऐसा लगता है हमारा शो बहुत रियलिस्टिक जोन में शूट भी हो रहा है, और कैरेक्टर के बोलता ना कि इमोशंस जो पोर्ट्रे कर रहे हैं सब एक दूसरे के साथ, वो भी बहुत ही रियल लगेगा आपको। इट्स नॉट टू मच ऑफ ड्रामा इन दैट केस कि खींचेगे हर सीन को या हर ड्रामा को। सो बहुत रियल जोन में आपको देखने मिलेगा ये शो, बहुत स्टैंड आउट कर रहा है। आई हैव हर्ड कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर। हाँ, मतलब लोगों से रिएक्शन तो बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड लोग बहुत खुश हैं प्रोमोज देख के। मतलब घर वालों और फ्रेंड्स का फीडबैक तो मैं ले नहीं रहा, बिकॉज वो बायस फीडबैक आता है बहुत। बट इन जनरल जब जिम जा रहा हूँ या कोई मिल रहा है बॉल में या कहीं, तो सब बोल रहे हैं अरे शिवा, वो शिवा तो पीछा छोड़ेगा नहीं कभी मेरा पंड्या स्टोर, तो बोलते हैं अरे शिवा सचिन भी मस्त लग रहा है एकदम। तो मतलब लोगों को आई थिंक उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ रिफ्रेशिंग सा एक शो का प्रोमो आएगा, एंड आई थिंक वो हमने अचीव कर लिया। एंड जो रिएक्शन आया वो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्राइसलेस रिएक्शन है लोगों का, जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं सबका। सो आई थिंक वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू ब्रिंग आर शो टू द ऑडियंस, बिकॉज थोड़ा हटके है, थोड़ा फ्रेश है, और बहुत अच्छी कहानी है शो की। पकड़ लिया मैंने भी, मतलब साइली जिस तरह से है घर पर एज नेहा ऑल्सो आई एम द एल्डर वन एट होम, यहाँ पर भी मैं बड़ी बहन हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, सो समवेयर आई कैन रिलेट अ लॉट विथ हर। दो हर सिचुएशन, साइली की सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम हो जाती है, बट समवेयर शी मैनेजेस द फैमिली एंड हर वर्क एंड सचिन, नाउ शी विल। सचिन ठुकराया हुआ बच्चा है अपने घर का, इसे सिर्फ बाबा और अजी का प्यार मिला है, माँ का कभी मिला ही नहीं, और इसे लड़कियों से, शादी से और प्यार से बहुत नफरत है। ज़िंदगी में बहुत ही रफ़ अपब्रिंगिंग रही है इसकी, वो आपको पता चलेगा क्यों रही है और क्यों ये ऐसा है। एकदम थोड़ा बॉर्डरलाइन टपोरी, फुल टपोरी नहीं है, बॉर्डरलाइन टपोरी है, टैक्सी चलाता है, अपनी टैक्सी के साथ खुश है, और मज़ा आया यार पकड़ने में। एक दो दिन लग गए क्योंकि थोड़ा एक अलग टच देना था इसको, क्योंकि हमारा महाराष्ट्रन बैकग्राउंड वाला शो है, तो एक लिंगो पकड़नी थी, एक थोड़ा एक इसे स्वभाव देना था, तो वो स्वभाव पकड़ने में एक दो दिन लगे, और फिर पकड़ा तो छोड़ा नहीं, अब मज़ा आ गया। बाकी आपके ऊपर है, आप शो देखेंगे तो बताएंगे कैसा है। एक नंबर था ना बंटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कड़क था मुझे ऐसे ही हुई। मेरा तो मतलब इसका तो फुल गुजराती निकलता है मराठी बोलते बोलते, तो मेरे लिए ऐसा ही था। नहीं, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और है अभी भी, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ हो गया। बहुत एज एन एक्टर इट्स एन एवरीडे वर्क ना, आप रोज सीख रहे हो। हाँ, सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज बोलो, या वो फूल वाला हार वार बनाना, मैंने मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी तो वो भी सीखा, तो बहुत कुछ किया है साइली पे मैंने वर्क। तो आई होप पीपल लाइक इट, कि हमारी मेहनत, नॉट ओनली साइली बट सचिन की भी मेहनत, हम दोनों की मेहनत आपको पसंद आए और जस्टिस करे हमारे कैरेक्टर को। अरे ये अलग है, अरे विजुअल पे मत जाओ। क्या होता है ना, जब एक एक्टर एक टाइप का रोल कर लेता है, जैसे शाहिद कपूर ने कबीर सिंह कर लिया, अब अगर वो और एक अग्रेसिव रोल करेगा तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो फुल कबीर सिंह वाला लग रहा है, पर वैसा नहीं होता। हर शो की एक नैरेटिव होती है, हर शो का एक कैरेक्टर होता है, हर किरदार अलग होता है, हर किरदार की एक कहानी अलग होती है। अब वो एज एन एक्टर आप कैसे प्ले करते हैं, कैसे पोर्ट्रे करते हैं, वो है आपका गेम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं अपना वो गेम स्ट्रॉन्ग रखूँ, और कहीं भी ऐसा ना लगे कि यार ये तो शिवा जैसा ही कर रहा है। हाँ, तो आई थिंक वो एक टोन, एक लहजा, एक तरीका, लुक में काम किया है मैंने, लुक थोड़ा बदला, तो अपनी तरफ से एक्टर अपने साइड से कोशिश करता रहता है, बाकी तो डिपेंड करेगा जब ऑडियंस देखेगी और बताएगी। इट वाज गुड ऑब्वियसली, मतलब मैंने नेगेटिव भी कभी प्ले नहीं किया था, सो वो भी एक डिफरेंट चीज़ थी कि पीरियोडिक ड्रामा से डायरेक्ट आज की स्टोरी, मुंबई की स्टोरी, और पॉजिटिव प्ले करना। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू अ लीड शो एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी हियर। So let's see. And what better than starting with star plus, yeah, absolutely.
I'm grateful and let's hope that you all love our show and give your love to us, I'd say. फिलहाल तो बिहाइंड द सीन देखिए कैसे प्रोमो शूट फिल्माते वक्त मस्ती भी हो रही है, पर यही तो है शूटिंग के नजारे जो सास बहू और बेटियां आप तक ले आता है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। तो फॉर नो रीजन आप मुस्कुराइए। इसी बात पर अब लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।